मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा, जबकि इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। और अब ये सब कैसे होता है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरमे टाइम्स का विशेष, मैं हूं अंकुर शुक्ल। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी, जिसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। इसे अगर सरल भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। इस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखा जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता से बाहर हो सकती हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। फिलहाल देश में इसको लेकर कोई कानून नहीं है, तो फिर जान लीजिए कि अभी क्या प्रक्रिया है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में है और अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुताबिक सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसमें कई बार 40 नाम तक लिखे होते हैं, और फिर इस सूची के आधार पर तीनों नामों का एक पैनल तैयार किया जाता है जिन पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं, और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और साथ में उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। देखा जाए तो इस प्रक्रिया में सरकार का पूरा रोल होता है। अब आप यह भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। तो फिलहाल 1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, और यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 90 आम चुनाव से पहले की गई थी। उस वक्त यह कहा गया कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए ली गई थी। वहीं फिर 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर विवाद कब से शुरू हुआ। साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थीं, जिनमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी कि ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। इसी दौरान 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था, और इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था, पर उसके पहले गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर कर सवाल उठाया था, जिस पर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, और कहा गया है कि यह नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई करेंगे, या यूं कहें तो यह नियुक्ति बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की होती है। पिछले दिनों कोर्ट ने मामले में केंद्र से चुनाव आयुक्तों की अपॉइंटमेंट की फाइल मांगी थी। अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई, यह कैसा आकलन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।